मैं डॉक्टर पारमिगा की इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने पहले भी आपको अपने कुछ वीडियोस में दिखाया है किस तरह से नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल मेथड से पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अभी आपको मैं आज फिर से एग्जांपल बताऊंगी जिसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से 60 इयर्स ओल्ड फीमेल की हमने जान बचाई। उनको स्टूल्स के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा और जब हमने सीटी कराया तो उसमें से एक स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत जिसको हम कहते हैं उसमें से एक फोकल पॉइंट था जहां से ब्लड बह रहा था। अब जब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी चीज प्रेजेंट होती है तो यहाँ तो उसका ट्रीटमेंट होता है कि ऑपरेशन करके उस आंत के पार्ट को निकाला जाए या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ने देखो किस तरह से मदद करी हमारी। ये अब मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, देखिए कि ये जो है इंटेस्टाइन की आर्टरीज हैं, ये दिख रही हैं बहुत सारी आपको ब्रांचेस टाइप की और ये हमारी पतली सी एक नली दिख रही है, कैथेटर कहते हैं इसको, जिससे हम बड़ी आर्टरी से लेकर छोटी छोटी आर्टरीज में जाते हैं, खून की नलियों में जाते हैं बिना किसी कट के, एक सिंपल पिन या नीडल से। तो अभी ये देखिए ये इंटेस्टाइन की पतली पतली आर्टरीज हैं जिनमें हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। सीटी की मदद से हमको पता लगा है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है तो उसी पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं। अभी देखिए ये हमको पॉइंट मिल गया है, ये आप छोटी सी खून की गांठ देख रहे हैं यहाँ पे जो ये है, तो इसको हमको बंद करना है। अगर हम इसको बंद कर देंगे फोकली तो पेशेंट की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये एक पॉइंट है जिससे ब्लीडिंग हो रही है और हमने इसमें एक हमारा मटेरियल होता है ग्लू, पहले भी मैंने आपको बताया एक चिपकाने वाला मेडिकल पदार्थ होता है ग्लू कहते हैं उसको, इसमें डाल के इसको हमने, तो ये जो जाली सी दिख रही है आपको ब्लड वेसल्स की जहां से खून निकल रहा था ये हमने छोटी सी एक नली के द्वारा बंद कर दी और पेशेंट की ब्लीडिंग रुक गई और पेशेंट की जान बच गई। तो ये है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की यूनिकनेस कि वो कैसे एक पिन होल से जाके पेशेंट की जान को बचा सकती है और हमारी एक बहुत बड़ी सर्जरी भी अवॉइड हो सकती है। स्पेशली जब ओल्ड पेशेंट्स होते हैं तो उनमें सर्जरी करना उतनी ही मॉर्बिडिटी कॉज कर सकता है, वो भी एक कारण बन सकता है कि पेशेंट जो है निकल ना पाए इस सिचुएशन से, क्योंकि सर्जरी एक बड़ा प्रोसेस है। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से हम कहीं भी अंदर ब्लीडिंग हो उसमें एक छोटी सी खून की नली से जाके उसको बंद कर सकते हैं।